सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू की सर्वोच्च बॉडी सीनेट का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब तक नई सीनेट या गवर्निंग बॉडी को लेकर उपराष्ट्रपति एवं पीयू के चांसलर जगदीप धनखड़ के कार्यालय से कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय छात्रों और नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की और शहर के सांसद मनीष तिवारी भी पीयू कैंपस पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को आश्वस्त करके आए हैं। तो सुनते हैं मनीष तिवारी और एचएस लक्की को। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही पुराना विरसा है, बहुत ही एक लंबा इतिहास है और पंजाब यूनिवर्सिटी की इस पूरे खेत्र नू एक बहुत बड़ी देन हैगी है। चाहे वो सिक्ख्या दे खेत्र च होवे, चाहे वो खेड़ां दे खेत्र च होवे और चाहे एकेडेमिया नू प्रमोट करन वास्ते होवे। पंजाब यूनिवर्सिटी का जिहड़ा कानून है जिहड़ा 1947 च बनिया सीगा उहदे साफ तौर पर लिखा है कि एक सैनेट और सिंडिकेट होगी और 47 तो लैके 2024 तक सैनेट दीआं चोणां बिल्कुल समय सिर हुंदीआं रहीआं ने। मैनू कुछ साथी आके लक्की जी नू मैनू रंधावा साहब नू कुछ साथी आके मिले सके जेड़े आउटगोइंग सैनेट दे मैंबर ने, उन्होंने गल कही कि भई ये चोणां डिले हुई ने, इहदी नोटिफिकेशन जनवरी च हो जानी चाहीदी सी और मैं तां उपराष्ट्रपति नू मिलिया जेड़े चांसलर ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे और मैं उन्हां दे ध्यान च गल लैके आई कि भई सैनेट दी इलेक्शन डिले हो रही है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे ध्यान च ये गल हैगी है और मैनू ये जरूर उम्मीद है कि ये जिहड़ी सैनेट की चोण है सरकार और पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रशासन जल्द तो जल्द कराऊगा, क्योंकि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वास्ते एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी जरूरी है। मैं ता ही जिन्हें साथियों ने पहल की है उन्होंने यही सलाह दिती हैगी है कि सारे स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग तुसी सदो, उहदे च टीचर्स भी होन, उहदे च इंपलॉयज़ भी होन, उहदे च अफिलिएटेड कॉलेजेस दे लोग भी होन, उहदे च जिहड़े बाकी स्टेक होल्डर्स ने सैनेट दे जिहड़े मैंबर्स ने वह भी होन, जिहदे नाल एक आम राय एक आम सहमति बने कि ये इलेक्शन जल्द तो जल्द होनी चाहिए। जिथे तक थोड़ा सवाल है कि लोकसभा च की ये मुद्दा चक्या जाऊगा, तो पंजाब का कोई अहिजा मुद्दा नहीं है जिहड़ा लोकसभा दे विच मैं पिछले कई वरियां तो चकदा ना रहा हुआ। जदों पंजाबी जबान की गल आई जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी जिहड़ी तीजी जबान हुंदी सीगी उहनू जदों हटाया गया तो वह मुद्दा भी लोकसभा च मैं ही चक्या सीगा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी सब तो पहले मैं ही चकूंगा। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।
असलियत गल है कि इन्हों लगता कि इस यूनिवर्सिटी आते हेल्पलैस उसका कारण यह है इलेक्टेड बॉडी का ये साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिबरल इंडिपेंडेंस की गल है उस समय तक सू थे सलाम करते इतने सू करते कंट्रोल नहीं बनता हूँ उन्होंने पॉलिटिक्स जाए सारे देश इको जहाँ आर एस का कि असं सारा सेंट्रलाइज कर देना सब कुछ जो जी अमृतसर जो जी पटियाला वह यूनिवर्सिटी बना देनी है यूनिवर्सिटी देखते हैं कि भी इस मसले से असं सारे कट्ठे और ये साड़ी आम राय क्योंकि अज तुम लिख दें रिफॉर्म्स इन सैनेट तो सरकार भी तो यही कहती है अभी रिफॉर्म ही कर रहे हैं सो वॉट एग्जैक्टली इज इट दैट यू वॉन्ट दैट शुड बी वेरी वेरी क्लीयरली स्पेल्ड आउट 2008 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਦਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘਟਾ ਰਹੇ मजाक कर रहे हैं पता सारा कुछ इन्हें CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।